आज का टॉपिक है सॉयल, जिसको हिंदी में मृदा कहते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली मिट्टी बोलते हैं। तो सॉयल की अगर हम बात करेंगे तो सॉयल जो होता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, जिसमें कि प्लांट सक्सेसफुली ग्रो करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, वाटर प्राप्त करते हैं, जिनके कारण उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करेंगे सॉयल में कंपोजिशन की, कि सॉयल के क्या कंपोजिशन होते हैं, तो हम देखेंगे कि सॉयल में जो है वाटर पाया जाता है, इसके साथ साथ जो है गैसेस पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉयल में ही रहते हैं, और उनका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं। तो कंपोजिशन हो गया, आप देखिए वाटर, सॉयल के अंदर वाटर होता है तभी तो प्लांट को मिलता है, उसके साथ साथ गैसेस होते हैं, गैसेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करता है, जैसे हम लोग मिट्टी में क्या करते हैं, सीड को लगा करके छोड़ देते हैं, समय समय पे पानी वगैरह देते हैं, वाटरिंग करते हैं, तो सीड जर्मिनेट करता है, सीड जो होता है वो जर्मिनेशन के टाइम पर रेस्पिरेशन करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है, तो सॉयल में गैसेस का होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो सॉयल सीड जो होंगे वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक सबस्टेंस भी पाए जाते हैं, क्योंकि जब प्लांट और एनिमल का डेथ होता है तो वो कहाँ जाते हैं, सॉयल सरफेस पे जाते हैं, जहाँ पे उनका डिकम्पोजिशन होगा उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो सॉयल को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सॉयल होता क्या है, तो सॉयल जो होगा अर्थ का अपर फर्टाइल पार्ट होता है। अपर फर्टाइल पार्ट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, यानी यहाँ पे प्लांट जो होते हैं वो सक्सेसफुली ग्रो करते हैं। तो डिफाइन किया गया है द अपर फर्टाइल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट सक्सेसफुली ग्रो इज नोन एज सॉयल, इसको हम लोग सॉयल कहते हैं। अब यहाँ पे प्लांट क्या करेगा, सक्सेसफुली ग्रो करता है। बहुत सारे हम लोग ऐसे एरिया देखते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, बंजर जमीन होता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं, या तो वाटर की कमी होगी, या तो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, या तो सॉयल में एसिडिटी ज़्यादा होगा, एसिड का मात्रा ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण वहाँ पे प्लांट जो है सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सॉयल होता क्या है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, उपजाऊ भाग है, जिसमें प्लांट जो है आसानी से ग्रो करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, वहाँ से वाटर प्राप्त करते हैं, और उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग सॉयल कहते हैं। अब इस सॉयल की हम बात करेंगे तो ये एक नेचुरल हैबिटेट होता है। हैबिटेट का मतलब होता है वास स्थान, यानी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उनको सभी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है, वो तभी वहाँ पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो सॉयल जो है एक नेचुरल हैबिटेट है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, बिकॉज क्यों, क्योंकि वहाँ से उनको मिलता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो उनको सॉयल से मिलते हैं, इसीलिए सॉयल को नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, स्थलीय जो पौधे होते हैं, वो कहाँ ग्रो करते हैं, सॉयल पे ग्रो करते हैं। फिर देखेंगे कि जो सॉयल है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या कंपोजिशन मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉयल में जो है वाटर मिलेगा, गैसेस मिलेगा, ऑर्गेनिक सबस्टेंस मिलेंगे, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस मिलेंगे, और माइक्रोब्स मिलते हैं। अब इनका अलग अलग जो होता है क्वांटिटी होता है, अमाउंट होता है कि कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, तो देखा गया है कि जो वाटर होता है सॉयल में लगभग 25% होता है, लगभग 25% होता है टोटल कंपोनेंट अगर देखेंगे तो, और गैसेज जो होते हैं नियर अबाउट ये भी 25% होते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसके साथ साथ सीड के जर्मिनेशन में भी रोल प्ले करते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 45 से 50% इसकी मात्रा होती है, जो जिसको हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ऑर्गेनिक सबस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो है 5 से 10% होता है, यानी सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में देखा जाए तो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो सॉयल से अपटेक करता है, तो उनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और प्लांट जितने भी न्यूट्रिएंट्स को एटमॉस्फेयर से लेते हैं उनको नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे इसकी मात्रा अधिक होती है। तो देखिए, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि लार्ज अमाउंट में होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और दूसरा जो कैटेगरी होगा उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब सॉयल में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लगभग 92 टाइप्स के एलिमेंट जो होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, और वो मैक्सिमम जो एलिमेंट होता है वो सॉयल से ही लेते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको प्लांट लार्ज अमाउंट में यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉयल में जिनको प्लांट लो अमाउंट में अपटेक करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करता है, तो उनको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये हो गया सॉयल के बारे में।